मैं उसके कमरे में आया, उसके कमरे में गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो लगी हुई है और भी अन्य धार्मिक फोटो लगी हुई है। उन्होंने वो खुद लगाई। ऐसा आदमी यहाँ से चल के जो किसान आंदोलन में कभी नहीं गया, जो जिसके पास 50 रुपए तो वहाँ कैसे चला गया, और वो यहाँ से वहाँ वेद भी क्यों करने क्यों जाएगा? मतलब जिसको वेद भी करने हो, जिसकी नियत होगी वो तो यहाँ कर लेगा। मतलब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे। बिल्कुल एक बड़ी साजिश है। हो सकता है उनको मोहरा बनाया गया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, जैसा मैंने कहा कि इस गांव के ऊपर, इस परिवार के ऊपर, पूरे देश में एक कलंक लग गया, दाग। और जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी, ये परिवार गरीब जरूर है लेकिन स्वाभिमानी परिवार है, उनको भी इस बात का दुख है। उसकी लखवीर की 3 बच्चियां हैं, उनकी बहन की 2 बच्ची है, उनके मन में भी सवाल है, उनके पिता के मन में भी कि ये दाग हमारे ऊपर से धुलना चाहिए। और वो धुलेगा कैसे? जब तक इसकी जांच नहीं होगी, जांच में स्पष्ट हो जाए किसने किया, करवाया, क्यों किया और नहीं किया, ये सब चीजें स्पष्ट होनी जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस घटना की सीबीआई जांच हो। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर पंजाब में कोई पीड़ित है उसका दुख आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? तो आपको इस परिवार से मुलाकात करनी चाहिए, उनकी सुनवाई करनी चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए। इस परिवार का जो आगे बढ़ने का जरिया था, खान पीन का जरिया था, वो सब खत्म हो गया। तो आप क्या अपने प्रदेश के लोगों को इस तरह छोड़ देंगे? किसके भरोसे? पंजाब सरकार हमेशा जहाँ पे भाजपा की सरकार होती है, कोई अन्य पार्टी की, वहाँ जाती रहती है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक न तो आई हो न ही इसमें अभी तक कोई बयान। चलो अब आ जाएंगे, अब तो हम आगे अब आ जाएं। उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका प्रदेश है, वो सरकार में, हम तो नहीं है। हम होते तो अब तक जाँच के आदेश हो गए होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार से और राजनीति से ऊपर उठ के भी क्या हम मानवता को भूल जाएंगे? एक एक हम संदेश लगा लेते हैं कि लखवीर से कुछ गलती हुई है, उसमें इस परिवार का क्या दोष है? क्या इस परिवार की गलती है कि वो इस घर में पैदा हुआ? मैं तो ये सोचता हूँ ना, क्या कभी किसी रेपिस्ट के साथ इस तरह से किसने किया? भाई धर्म इंसानों के लिए है, धर्म जोड़ता है। इंसान धर्म के लिए नहीं कि धर्म के नाम पे इंसानों की बलि चढ़ाई जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर किसी गुरु ने, किसी संत महापुरुष ने लिखा हो कहीं, तो ठीक है कीजिए। भाई इस देश में संविधान है, आप संविधान के हिसाब से चलिए। कोई भी अपराध करता है उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है। आप अपनी बात को दमदारी से रखिए, आईपीसी है, सीआरपीसी है, जब कोर्ट में केस चलेगा। आप अगर कानून को अपने हाथ में लोगे तो हर कोई ले लेगा, तो क्या होगा? सर किसान आंदोलन को हमेशा जो समर्थन है वो इसी संविधान को देखते हुए लोग चौतरफा उसको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब चीजें इंस्टिगेट करने वाली लोग जो मतलब सरेंडर किया या अरेस्ट हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि आगे बेअदबी होगी तब भी ऐसे करेंगे। ऐसे में जब ये चीजें आप देखते हैं और आप उस चीज को समर्थन देते हैं, तो आप कैसे इस चीज को देखना चाहेंगे? तो किसान मोर्चा भले अपना हर समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग मन के लोग। आप किसी एक व्यक्ति से उस कम्युनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, सब तरह के लोग। जब ये घटना हुई तो ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही रुख थे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसको रोकने का प्रयास कर रहे होंगे। हो सकता है एक बड़ी भीड़ के आगे उनकी बात की सुनवाई ना चली हो, मेरे पास क्या एविडेंस है? कल हमारी टीम रिपोर्ट लेके आई, कुछ ऐसे भी लोग थे जो मना कर रहे थे। ऐसे लोग ही वैसे उनको जहां लटका गया था वहां से उतारा गया। हमने स्टेटमेंट सुना उनका लटके हुए, जिंदा थे तब, वो कह रहे थे मुझे थल्ले उतार दो, मैं बताना कि मेरे साथ और कौन है, मुझे यहाँ कौन लेके आ। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए था कि अगर ये कोई साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कौन कौन है, हमें जानना चाहिए। मोहरे को क्यों, वास्तविक जो पीछे है, जिसने कराया उसको ढूंढना चाहिए था, लेकिन उसका क्यों नहीं प्रयास हुआ? तो मैं चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन हो। रही बात उसकी, किसान आंदोलन जो है वो इस देश में आजादी की एक और लड़ाई है। हम तो रोज मर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग तो रोज हत्या होती है, सड़क पे, खेत में, कहीं ना कहीं होती है, और सब मारते हैं। जमींदार भी मारता है, पैसे वाला भी मारता है, पूंजीपति जिसका बस चलता है, छोटी जात बड़ी जात करके उसमें भी मारते हैं। बात ये नहीं है, किसान आंदोलन देश के एक और आजादी की लड़ाई थी, उन्होंने देश के आजाद लोगों को लड़ने का जज्बा दिया, उनका आंदोलन अपनी जगह है। लेकिन मेरा कहना यह, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो किया गया है, ये मानवता को कलंकित किया गया है।
ये हृदय विदारक है, इस पे अगर ठोस कार्रवाई नहीं होती तो ये संदेश अच्छा नहीं होगा। और एक पे सही कार्रवाई कीजिए, सब लोगों को पता लग जाएगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, संविधान से बड़ा कोई नहीं। इसको केस को हम लोग लड़ेंगे पर्सनली, हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जरूरत होगी हमारी टीम लड़ेगी, आरोपी नहीं बचेंगे। अगर उनको चिंता है तो हमें भी चिंता है हमारे लोगों की, हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। धन्यवाद।